तुम तो जाओगे बढ़िया नौकरी, आप भी इससे सर को मारते हो, बढ़िया नौकरी आप भी, आपका किस्मत बहुत बड़ा है, आप हमारे घर नहीं दे, हमारा कुटुंब कौन आवे, मारवाड़ी बोल दे, बता जी मारवाड़ी बोल दे, अपने कोई नहीं आया हमारे घर में, कौन आवे, आए ना देखो मोदी जी ने दिया है ना, आपके नी कुटिया में रहते, मोदी जी ने मेयर करी है, आए ना मोदी जी की दिल्ली से नजर पूरी तरह से है यहाँ। तो देखा आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, कैसे गांव चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर के गुगेला गांव में पहुंचते हैं और वहां पर एक कुटिया के अंदर खाना खाते हैं। जैसे ही सीएम पहुंचते हैं तो घर की बुजुर्ग महिला भावुक हो उठती है और कहती है कि हमारे भाग्य है कि आप आए हैं, इस छोटी कुटिया में कोई नहीं आता है। तब सीएम भजन लाल कहते हैं कि पीएम मोदी की सब पर नजर है, तभी तो आए हैं। बढ़िया नौकरी, आप भी इससे सर को मारते हो, बढ़िया नौकरी आप भी, आपका किस्मत बहुत बड़ा है, आप हमारे घर नहीं दे, हमारा कुटुंब कौन आवे, मारवाड़ी बोल दे, बता जी मारवाड़ी बोल दे, अपने कोई नहीं आया हमारे घर में, कौन आवे, भगवान ने आए ना देखो मोदी जी ने दिया है ना, आपके नी कुटिया में रहते, मोदी जी ने मेयर करी है, आए ना मोदी जी की दिल्ली से नजर पूरी तरह से है यहाँ, हाँ उसको बताया, मोदी जी को बताया कि अम्मा बैठी है वहाँ, उनको पूरा पता है कि अम्मा को मकान की आवश्यकता है, वो पूरे देश में नजर रखते हैं, तो उनको पता है, और आज हमें इसीलिए भेजा है यहाँ कि गांव में हमारे बहुत खुशी है, इधर आ गए ना, बहुत खुशी है हमारे, बहुत अच्छा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है। माता जी है, इस घर में रहते आप, माता जी आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, और ठीक हो माता जी, वो तो आपने कर दिया माता जी, जरूर बात करें, कैसी है माता जी आप, ठीक है आप जी, ये लाल बाबू थोड़ा सा नाम मिला है आपको ये, हाँ अच्छा, मोदी जी ने भेजा है, कैसे पता माता जी आपको, मोदी जी ने भेजा है, मोदी जी दिए बहुत सुविधा किया हमारे मोदी जी ने, मोदी सुख है, अच्छा है, बार बार आएंगे, आपको पेंशन मिल रही है ना, मिल रही है, 1500 रुपये मिल रहे हैं, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बेटियों की शादी नहीं मिल रही, पोतियों की शादी इस मकान में, वाह वाह बहुत अच्छा, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमने दो दो की फोटो आ, माता जी के मुख्यमंत्री जी, माता जी आप आशीर्वाद दे दो मुख्यमंत्री जी, सिरपुरे तो हाथ है, जिसके बाद सीएम कहते हैं कि नागौर के गुगेलाव गांव में केंद्र की लोक कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी भंवर कंवर जी के निवास पर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके बहुत प्रसन्नता हुई, उनके परिवार की आत्मीयता और आतिथ्य सत्कार के लिए हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को नागौर के गुगेलाव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि देश के विकास का आकलन गांव के विकास के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है,
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर बिजली और जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया है, ताकि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। साथ ही सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग को पूरा करते हुए सीवरेज की समस्या के निस्तारण और राष्ट्रीयकृत बैंकों का एटीएम लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा उप स्वास्थ्य केंद्र गोगेलाव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। सरपंच साहब ने तो जो बताई है, लेकिन सरपंच साहब इधर आओ। एक आपके यहाँ सीवरेज की समस्या है ना? सीवरेज की समस्या है या नहीं है? सीवरेज की समस्या है क्या? एक तो आपकी सीवरेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, सरपंच साहब ने कहा है, देखो स्मार्ट विलेज तो जो इस योजनाओं को पैसा मिलेगा तो अपने आप स्मार्ट विलेज तो हो ही जाएगा। और आप कलेक्टर साहब कहाँ हैं? कलेक्टर साहब, इस गांव की जो भी है आप एक बार बना करके इसको देंगे, क्या क्या आवश्यकता है एक बार सरपंच साहब के पास बैठ करके जो आवश्यकता है उनको पूरा करेंगे, ये आप लेकर बना करके दीजिए। एक कहा कि आपने एटीएम नहीं है तो एटीएम खुल जाएगा आपके यहाँ। एक आपने कहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, तो डाइट का क्या है यहाँ? एक डाइट का ऑफिस भी यहाँ हो जाएगा, सरपंच साहब ने मांग की है। नागौर हो जाएगा, नागौर जिले में ही तो है। हाँ, नागौर में ये भी हो जाएगा। और बताइए, ये मांग करिए, सीवरेज की मांग तो मैंने मेरी तरफ से की है। और बताइए और क्या करना है? एक मोहन जी बता रहे हैं हमारे कि पशु चिकित्सालय यहाँ कौन सा है, क्या है? नहीं है क्या? किस लेवल का है यहाँ? उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य कर दिया जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये लिख लेना। बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की, करणी माता की, बस्ती माता की, गोगे लाभ की, गोगे लाभ की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान तक के लिए नागौर से केशराम की रिपोर्ट।